भयंकर
प्रयार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और क्रुधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से समर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुखों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उधर का कुचूमर निकाल दिया डाला। बिंदी पास से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्र वीर तथा महानु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विराल के मस्तक को डर से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूतन से मार कर किन्हीं के ऊपर गुरु का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूछ से चोट पहुँचा कर कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके कुछ गणों को वेग से किन्हीं को सिंहनाश से कुछ को चक्कर देकर कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वासुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए छटता। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से
ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकरा कर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। गिरते हुए सिंहों के आघात से विकीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखते चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने पैसे का रूप त्याग किया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जूही उसका मस्तक काटने के लिए उगत हुई तो ही वह खड़कधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। वर्षा करके डाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीत डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूर काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मस्त से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मस्त से लाल हो रहा था और बाणी खड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर
अब शीर की देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव नरेश्वर के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। दुर्गा सप्तशती का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।